पिछले वीडियो में मैंने उत्तर प्रदेश लेखपाल की विज्ञप्ति के बारे में बारीकी से बताया था और इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म भरने की पूरी जानकारी देने वाला हूं। आप फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देख लें, इसके बाद अपना फॉर्म फिलअप करें। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। यूपी लेखपाल यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये वेबसाइट है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो फॉर्म भरने के लिए बहुत ही सिंपल है, आपको ये जो दिखाई दे रहा है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये नया पेज खुलेगा आपके लिए। तो आप देख सकते हैं इसमें दो वैकेंसियों के बारे में बताया जा रहा है, जबकि जो लेखपाल का है वो 01 एग्ज़ाम 2022 और ये किसी और भर्ती का बता रहा है। तो आप देखेंगे 7/1/2022 से इसका स्टार्ट डेट है रजिस्ट्रेशन और लास्ट डेट है 28/1/2022। तो इसमें यदि आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं, ये देखिए, इस पर क्लिक करेंगे, व्यू एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन का डाउनलोड हो जाएगा। और लेकिन हम ये पढ़ चुके हैं पहले से, तो इस पर हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इस वैकेंसी के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आई है। बोर्ड ऑफ रिजर्व उत्तर प्रदेश लखनऊ, पोस्ट ऑफ एग्ज़ाम का नाम लेखपाल और नेचर ऑफ पोस्ट पे स्केल, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो पे स्केल भी बताया जाएगा। और एज 18 से 40 वर्ष के जो कैंडिडेट हैं वो भर सकते हैं। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, यहाँ पे आप व्यू पर क्लिक करेंगे तो नंबर ऑफ वैकेंसी, कितनी वैकेंसी है उनके बारे में देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन मिनिमम इंटरमीडिएट होनी चाहिए, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा। इसके बाद यदि सब सही है तो आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और नए पेज खुलेगा और आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। आवेदन पत्र भरने से पहले आवेदकों के लिए निर्देश, ये सारे निर्देश आप पढ़ेंगे भली भांति ध्यान से और इनको पढ़ने के बाद आप इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद यानी आई हैव रीड इंस्ट्रक्शन एक्सेप्टेड डिक्लेरेशन, आप घोषणा पत्र को डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करेंगे और आई एग्री पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नया विंडो खुलेगा और आप देखेंगे आपके पास दो तरीके इन्होंने दिए हुए हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। नंबर एक तरीका तो यह है, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए और जेंडर डालिए और क्या आप यूपी से हैं, यस और नो, और अपना कैटेगरी चुनिए और वेरिफिकेशन कोड लिखिए और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक कीजिए, आपका फॉर्म खुल जाएगा। दूसरा तरीका जो कि बहुत सरल है, आसान है, थ्रू ओटीपी, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए और ओटीपी जो आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर रजिस्टर जो मोबाइल नंबर आपने किया था पीईटी में उसी पे आपको एक कोड भेजा जाएगा, ओटीपी वन टाइम पासवर्ड, और उसको आप यहाँ पे लिखिए। इसके बाद वेरिफिकेशन कोड डालिए यहाँ पर और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। तो मैं करता हूँ यहाँ से, तो जैसे ही आप प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 चरणों में इस फॉर्म को भरा गया है और इसमें कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन पहले से ही भरी रहेगी और लगभग पूरी आपकी भरी रहेगी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। और आप ये देखिए आपका सब कुछ सब पहले से ही भरा है, इसमें कोई चीज़ एडिट नहीं कर पाएंगे। आप इस पर कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप आगे दूसरे फोटो सिग्नेचर पर पहुंच जाएंगे। तो देखिए आपको इसमें कुछ नहीं करना है और क्वालिफिकेशन आप अगर इसमें चेंज करना चाहते हैं तो आप क्वालिफिकेशन चेंज कर सकते हैं, हाई स्कूल इंटर आप इसमें जोड़ सकते हैं जैसा भी आप जिस सन में। और इसके बाद कैप्चा भरेंगे और आगे वाले पेज पर पहुंच जाएंगे फोटो एंड सिग्नेचर पर। और जब तक आप इसको नहीं भरेंगे जब तक आप उस पर अगले नेक्स्ट पेज पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो मैं भरता हूँ इस पर,
आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, ओके क्लिक पर दबाएंगे, इसके बाद आपके पास न्यू एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। आप इसे चेक करेंगे और इसको चेक करेंगे पूरा, आप देखेंगे इसमें आपका 11 अंक का रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, आपकी सारी डिटेल होगी इसमें। आप नीचे देखेंगे आपका ईयर ऑफ पासिंग वगैरह ये सब लिखा रहेगा, और आपका 11 अंक का रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको आपको आपके मोबाइल पर भी भेज दिया जाएगा। इसके बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आप फोटो एंड सिग्नेचर वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ आपका सिग्नेचर और फोटो दिखाने लगेगा। इसके बाद आप कुछ और एज प्रूफ वगैरह आप इनको अपडेट भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है। यदि आप करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहते तो ना करें। तो यदि सेम है तो सेम कर दें। और ये देखिए मैं एक अपडेट करके दिखा देता हूँ, और ये देखिए इस पर आप डेट अपना डेट ऑफ पर चुनेंगे, आप अपना आप सर्टिफिकेट का डेट चुनेंगे और इसके बाद अपडेट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये अपडेट डिटेल पर क्लिक करेंगे, ये देखिए लिख के आ गया है अपडेट सक्सेसफुली। और इसके बाद आपका ये सक्सेसफुल हो जाएगा। और यदि आप एक्स सर्विसमैन वगैरह से हैं तो यहाँ पर नो पहले से ही भर के आएगा, तो ये आपकी सारी टर्म एंड कंडीशन है, इन्हें आप एक्सेप्ट करेंगे और चेकबॉक्स पर चेक करेंगे, और जो वेरिफिकेशन कोड दिखाई दे रहा है उसको यहाँ पर आप फिल करेंगे और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे एंड ओके क्लिक करेंगे। इसके बाद ये आपको फिर नया खुलेगा, ये पूछेगा प्रोसीड टू पेमेंट के लिए आपको पूछ रहा है, तो आप प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपका फाइनली हो चुका है। यदि आपको कोई गड़बड़ लगती है तो फिर दोबारा ओके करेंगे प्रोसीड पर। इसके बाद आपको 2500 रुपये फीस देना है, कई माध्यमों से आप फीस दे सकते हैं, तो इसके लिए आप देखेंगे ये 2500 रुपये अमाउंट है आपका एग्जामिनेशन फीस, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस फीस 2500 रुपये आपको देनी है। क्लिक हेयर टू पे पर क्लिक करेंगे, ओके क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको ये पेमेंट वाले ऑप्शन पे ले जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए प्रोसीड टू पेमेंट ये लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। इसके बाद ये देखिए आप कई तरीक़ों से ये पेमेंट के लिए बता रहा है, आपके स्टेट बैंक से प्रोसीड टू फीस डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद SBI कई माध्यमों से आपकी फ़ीस का है, ये SBI नेट बैंकिंग UPI वगैरह सबसे, तो इस तरीके से आप किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको फाइनली सबमिशन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आप आ जाएंगे, आपको ये फॉर्म आपका दिखाई देगा, आपका पेमेंट हो चुका है, आपका फॉर्म यहाँ पर प्रिंट का जो ऑप्शन यहाँ दिखाई देगा, आप प्रिंट के ऑप्शन पर जाके फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं, और आपका पूरा फॉर्म जो फिलअप फॉर्म है ये प्रिंट हो जाएगा। आप इसको सेव करें और अपना प्रिंट निकाल कर भविष्य की प्रक्रिया के लिए इसे संभाल कर रखें। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि इससे संबंधित आपकी कोई भी क्वेरीज है, आपका कोई भी सवाल है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं तुरंत आपको कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की। जय हिंद, जय भारत।